ऋषि राज, गुड इवनिंग। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उमा शंकर कुमार, गुड मॉर्निंग। स्मृति राज, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो हो नहीं पा रहा था, तो देखें किसी तरह से हो पाया है। थोड़ा टाइम लग गया, 10-20 मिनट। हाँ, थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं जा रहा होगा, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग इसी तरह से कुछ आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। स्मृति राज क्लियर है, चलिए ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा ही, लेकिन चलिए, आप ऐसा बोलकर मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे हैं। मनीता कुमारी, गुड इवनिंग। अर्पण कुमार सिंह, चलिए, आप तो सजेशन दे रहे थे कि थोड़ा बंद कर कीजिए, किए भी लेकिन हो नहीं पाया सफल, इससे थोड़ा और लेट हो गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करें। हम पिछले क्लास में हम लोग रेडियन के बारे में पढ़े थे, सप्लीमेंट्री यूनिट चल रहा था और हम लोग रेडियन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अष्ट रेडियन के बारे में आगे पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट दो तरह के थे, रेडियन और अष्ट रेडियन, जिसमें हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ चुके थे और अभी पढ़ेंगे हम लोग अष्ट रेडियन के बारे में। अनुभव कुमार सर, आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? बिहार शरीफ में पढ़ा रहे हैं सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अष्ट रेडियन के बारे में। आज तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के दो पार्ट्स थे, एक रेडियन और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अष्ट रेडियन। अष्टेरेडियन के बारे में, तो अष्टेरेडियन के बारे में पहले जानना जरूरी कि अष्टेरेडियन है क्या। तो अष्टेरेडियन क्या है? अष्टेरेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। अष्टेरेडियन क्या है? एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब बात है कि सप्लीमेंट्री यूनिट है तो किसका यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी का है? तो इसका आंसर है हम लोग का सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं कि अष्टेरेडियन एक यूनिट है सॉलिड एंगल का। इसका यूज हम लोग सॉलिड एंगल को मेजर करने में करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि अष्टेरेडियन के बारे में किसका जो यूज है, हम लोग सॉलिड एंगल को मेजर करने में करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। तो देखा स्टेडियन में इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। तो स्टेडियन का उपयोग हम लोग सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या है पहले इसको भी जानना जरूरी है कि सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग बताया था ना प्लेन एंगल के बारे में, कि ये जो एंगल है क्या है, ये हमारा प्लेन एंगल है। एक प्लेन पर खिंचा हुआ एक एंगल है, प्लेन एंगल है। अब हम लोग बोल रहे हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कैसा होता है, थोड़ा इसके बारे में पहले जानेंगे।
तब उसको फिर किस फॉर्मूला से मेजर करते हैं, जिससे कि हम लोग प्लेन एंगल को मेजर किए थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से। एल था लेंथ ऑफ आर्क, आर था लेंथ ऑफ रेडियस, फिर एल बाई आर करने के बाद हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते थे और निकालते थे रेडियन में। ठीक उसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें अस्टेरेडियन में। तो सबसे पहला पॉइंट ये हम लोग सीखे कि अस्टेरेडियन का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंगल को मेजर करने में। अब दिखाते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है। दिक्कत आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अस्टेरेडियन जो है एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसका उपयोग हम लोग सॉलिड एंगल को मेजर करने में करते हैं, जैसे कि हम लोग रेडियन का उपयोग प्लेन एंगल मेजर करने में कर रहे थे। अब बात है सॉलिड एंगल क्या है। समझिए कि एक कोन है, कोन मतलब यह कोन, एक कोन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शंकु। ये कोन है, अगर आप इसमें ऊपर से झांक के देखिए, ऐसे ऊपर से देखिएगा अंदर, ये पूरा तो पैक है ही, कुल्फी वाला जैसा या फिर बड्डे वाला टोपी जैसा। तो ये जो है कुल्फी वाला जैसा या बड्डे टोपी जैसा समझिए, और ऊपर से झांकिए, तो ये जो अंदर में यहां पर एक एंगल दिखाई देगा, बनता हुआ एक एंगल दिखाई देगा, यहां पर बनता हुआ एक एंगल दिखाई देगा, उधर से लेके एक एंगल अंदर में बन रहा है। तो ये जो एंगल है अंदर में, इसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। इसे ही बोला गया सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल का जो सिंबल है फाई बोलते हैं इसको। प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग थीटा से, सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो आप देखिए किसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, अभी सॉलिड एंगल जो है फाई, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू ये यहां पर बनने वाला सॉलिड एंगल फाई। तो फाई का वैल्यू कैसे निकाला जाए, सबसे पहले आप देखिए ये जो आपका डिस्टेंस है इसे हम लोग आर बोलते हैं। आर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर। और आर के ऊपर एक आपको प्लेन दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक सरफेस। तो जो सरफेस है ऊपर वाला, ऊपर जो सरफेस है इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, डी ए। ए मीन्स एरिया, डी ए मतलब बहुत स्मॉल एरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बहुत स्मॉल एरिया है डीए। फिजिक्स की भाषा है, बहुत छोटी लंबाई को डीएल, बहुत छोटा मास कहीं मानना होता तो बोलते डीएम, बहुत कम समय के बारे में बात हो बोलते हैं डीटी। इस तरह से एक छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, डीए।
इस एरिया के बारे में बताएं कि उस एरिया का जो वैल्यू है, उस प्लेन का जो एरिया है उसका वैल्यू बोले डीए है। डीए कहने का मतलब बहुत छोटा एरिया। तो ये फाई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डीए बाई आर स्क्वायर। फाई इज इक्वल्स टू डीए बाई आर स्क्वायर। अभी डीए बाई आर स्क्वायर क्या चीज बोले अष्टे रेडियन। ये जो डीए बाई आर स्क्वायर अष्टे रेडियन है, ये तो हो गया फाइव बाई डी बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका एक थोड़ा सा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझेंगे हम लोग। तो डीए बाई आर स्क्वायर हो गया अष्टे रेडियन। जैसे कभी कभी फिगर में क्या आएगा, अभी बोले ना इसका ज्यादा काम आपको ट्वेल्थ में ज्यादा आएगा, तो कभी कभी फिगर आपको ऐसे मिलेगा। इस फिगर और इस फिगर में थोड़ा अंतर है, थोड़ा चेंजिंग है। ये जो ऊपर का सरफेस कटिंग है एकदम प्लेन कटिंग है, और ये जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड कटा हुआ, थोड़ा तिरछा कटा हुआ, इंक्लाइंड है। कहने का मतलब कि ये जो प्लेन है, वो जो प्लेन सरफेस है, ये जो सरफेस है प्लेन है, आर के परपेंडिकुलर है, आर के परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या ये वाला जो प्लेन है आर के परपेंडिकुलर है, बोले नहीं है। तो फाई का मान जब आप निकालते हैं तो ऊपर में जो डीए लिखते हैं ना, वो उस प्लेन का सरफेस होना चाहिए जो परपेंडिकुलर टू आर है। अगर इस कहानी में इसका एरिया अगर डीए है तो फाई बराबर डीए बट आर स्क्वायर कभी नहीं होगा। इसका एंगल, इसके अंदर का एंगल निकालने के लिए आपको ये वाला एरिया जानना होगा जो कि इस आर के परपेंडिकुलर होगा रखा हुआ सरफेस। एक ऐसा सरफेस का एरिया निकालते हैं हम लोग जो कि आर के परपेंडिकुलर है। अगर नहीं है तो फिर निकालना होगा। निकालने की बात अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर इसके लिए थोड़ा बहुत वेक्टर का जानकारी होना चाहिए और फिर कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए आने चाहिए, तब आपको ज्यादा पता चलेगा। तो अभी इसके बाद कोई जरूरत भी नहीं है। जब इस टॉपिक का कुछ ज्यादा काम आएगा तो हम लोग वहां पर बहुत डिटेल से बात करेंगे स्टीरियो रेडियन के बारे में। अभी बस हम इतना समझा रहे हैं कि जो एरिया डीए लिखाया है फाई बराबर डीए बटे आर स्क्वायर में, वो जो डीए एरिया है उस प्लेन का एरिया है जो प्लेन आर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये आर के परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इस कहानी में डीए नहीं होगा। इस डीए का उबला पार्ट होगा जो नीचे है इसे आर के परपेंडिकुलर होगा, और वह निकालने का जरूरत है, फिर निकाला जाता है। ऐसा में देखते हैं थोड़ा बहुत समझा करके, अगर आप समझ पाए तो भी क्लियर कर ही देंगे। तो हम लिखते हैं फाइव बराबर डीए बटा आर स्क्वायर। तो डीए क्या है? ये जो डीए है एरिया ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू आर। R के perpendicular जो plane है उस surface का area है dA बटा r square, इतना radian। इस तरह से हम लोग निकालते हैं phi का value। तो phi बराबर dA बटा r square। मेन मुद्दा क्या है ध्यान देने वाला? dA। dA क्या है? बोले dA उस plane का area है, उस surface का area है जो surface, जो plane R के perpendicular है, और वही dA बटे r square। लेकिन यूनिट में क्या लिखना है हमको? अष्टे रेडियन। सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला है डीए बटी आर स्क्वायर अष्टे रेडियन। जैसे कि प्लेन एंगल निकालने का फॉर्मूला था थीटा बराबर एल बाई आर रेडियन, उसी तरह से फाई बराबर डीए बटी आर स्क्वायर अष्टे रेडियन। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर आप इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर इंक्लाइन रहेगा तब क्या करना है, तो पहले हम जो सिखा रहे हैं उसके बाद अपने कमेंट में अगर बोलिएगा तो अभी सिखा लेंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा अगर, तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, हम भी कोशिश करेंगे कि एकदम तोड़ के इस बात को रखें आपके पास, और नहीं तो फिर जब उसका टॉपिक आएगा तब बात करेंगे।
अभी पता चला कि डीए बटे आर स्क्वायर में डीए वो वाला सरफेस का एरिया है जो सरफेस आर के परपेंडिकुलर है। अब एक स्फीयर के बारे में बात करें, गोला के बारे में बात करें, फुटबॉल, मान लीजिए एक फुटबॉल है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। एक स्फीयर है, इसके सरफेस है, देखें आपको सर्कल ही लग रहे हैं लेकिन हम लिख दें कि स्फीयर है, तो आप अपने दिमाग में रखें कि स्फीयर है, फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल का जो रेडियस है, ऐसे अनंत रेडियस होंगे फुटबॉल में। फुटबॉल के सेंटर से चारों डायरेक्शन में रेडियस खींचिए, एकदम फुटबॉल के सेंटर से चारों डायरेक्शन में रेडियस खींचिए, हर एक डायरेक्शन में। तो आप समझिए यहां, तो इस गोला पर, इस स्फीयर पर कहीं भी अपने हाथ को आप ऐसे रख दीजिए, इस यहां पर अपने हाथ को ऐसे रख दिए, तो ये जो मेरा हाथ का जो हिस्सा है गोला के जितने भाग को टच करेगा, गोला के जितने भाग को टच करे, ऐसे नहीं रखना है, पूरा गोला के सरफेस को आप टच करने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे रखेंगे तो पूरा गोला का सरफेस टच होगा, ऐसे नहीं, ऐसे रखिए एकदम प्लेन, तो कुछ भाग तो गोला का जरूर टच करेगा है, और बहुत छोटा सा पार्ट टच करेगा गोला का, लेकिन जो भी भाग स्फीयर का जो भी भाग यहां टच करेगा वो होगा डीए, और चूंकि वह सरफेस होगा आर के परपेंडिकुलर। आपको गोला पर जो हाथ है कर्व करके नहीं रखना है, ऐसे में तो पूरा गोला का सरफेस आप टच करेंगे जबरदस्ती, आप ऐसे रखिए एकदम हाथ को प्लेन, और तब ऐसे यहां पर रखिए ऐसे हाथ, तब इस गोला का स्फीयर का कुछ तो हिस्सा है जो यहां टच करेगा, बहुत छोटा सा हिस्सा टच करेगा, और जो सरफेस होगा आर के परपेंडिकुलर होगा, वो जो सरफेस यहां टच करेगा वो होगा आर के परपेंडिकुलर, और उसका एरिया मान लो डी ए। तो इसका मतलब जितना हिस्सा यहां टच हुआ स्फीयर का, वो यहां कितना एंगल बनाएगा, बोले डी ए बटे आर स्क्वायर। क्या इस तरीका से हम यह समझ सकते हैं कि इस स्फीयर के कहीं भी आप ऐसे टच कर देंगे, कहीं भी पूरा स्फीयर है आप कहीं भी ऐसे टच करेंगे तो जितना भाग यहां टच होगा वह एरिया हमेशा आर के परपेंडिकुलर ही होगा। कहने का मतलब कि गोला का पूरा सरफेस, स्फीयर का पूरा सरफेस आर के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। स्फीयर का जो पूरा सरफेस है उसके आर के अबाउट देखा जाए, वहां पर एक आर, जैसे यहां पर हम इस सरफेस के बारे में अगर बात करें, यहां पर सरफेस, तो यहां वाला सरफेस जो प्लेन है, प्लेन सरफेस इस आर के परपेंडिकुलर है। यहां अगर हम आर लिखते हैं तो यहां वाला जो सरफेस होगा वो भी आर के परपेंडिकुलर है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा स्फीयर का जो सरफेस है वो आर के हमेशा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब पूरा का पूरा सरफेस अपने सेंटर पर जो कोण बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा, वो हो जाएगा एरिया बटे आर स्क्वायर, पूरा एरिया, क्योंकि इस स्फीयर का पूरा एरिया है जो आर के परपेंडिकुलर है हमेशा। इस स्फीयर का पूरा सरफेस, इस स्फीयर का पूरा सरफेस है जो आर के परपेंडिकुलर है। कहीं चल जाइए, सिर्फ किनारे नहीं, यहां भी होगा स्फीयर ऐसे, तो यहां से भी ऐसे रखेंगे तो जो सरफेस जहां टच होगा वो आर के परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब स्फीयर का पूरा सरफेस जो है आर के परपेंडिकुलर है, इसलिए उस पूरा सरफेस का एरिया लिखे 4 पाई आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आ जाएंगे 4 पाई अस्टेर। कहने का मतलब कि कोई भी स्फीयर अपने सेंटर पर 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनाता है, कोई भी स्फीयर अपने सेंटर पर 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनाता है, जिससे कि आप सर्कल में सीखे थे कि कोई भी सर्कल अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, उसी तरह से स्फीयर अपने सेंटर पर 4 पाई अस्टेरेडियन का एंगल बनाते हैं। या इस बात को इस ढंग से समझिए आप कि जितना हिस्सा आपके हाथ का जितना हिस्सा इसमें टच हुआ होगा वो एक छोटा सा एरिया होगा, एक छोटा सा एरिया यहां होगा जितना आपका हाथ का जितना हिस्सा स्फीयर में टच होता होगा, इतना छोटा एरिया जिससे यह माना जा सके कि एकदम प्लेन है, प्लेन। किसी स्फीयर से एक बड़ा टुकड़ा काटिएगा और किसी के पास लेके जाएगा तो उसको लगेगा कि वो टुकड़ा थोड़ा सा कर्व है,
एकदम छोटा टुकड़ा काटेगा किसी स्फीयर से, किसी के पास लेके जाएगा तो पता नहीं चलेगा उसको कि स्फीयर से काटा हुआ है कि किसी प्लेन सीट से काटा हुआ है। इतना छोटा टुकड़ा काट गया यहां से, इसको लिखे डी। तो ये जो टुकड़ा है डी ए, वो तो आर के परपेंडिकुलर ही है, तो यहां पर बनेगा ना एंगल डी ए बटे आर स्क्वायर। ऐसा ऐसा अगर मान लिया जाए कि 50 बार में पूरा स्फीयर कवर होता है, इसका मतलब यहां सेंटर पर 50 बार बनेगा डी ए बटे आर स्क्वायर, 50 बार बनेगा डी ए बटे आर स्क्वायर। लेकिन ये 50 डी ए का मान कितना होगा, बोले 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऐसा ऐसा डी ए 50 बार कहां है, स्फीयर पर ही ना पूरा मिला करके है, ऐसा ऐसा डी ए 50 बार है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम 50 बार ऐसा ऐसा एरिया पूरा फुटबॉल पर रखें तो कवर हो गया पूरा फुटबॉल ही। या फिर ऐसे समझो कि ये जो कुल्फी है, ये जो कुल्फी है, ऐसा ऐसा 50 कुल्फी तुम लाओ और 50 कुल्फी को नोक को एक जगह जमा करना शुरू करो चारों तरफ से ऐसे, तो आपको लगेगा स्फीयर बन गया। और हर एक कुल्फी अपने सेंटर पर डी ए बटे आर स्क्वायर बनाएगा, तो 50 कुल्फी मिलकर 50 डी ए बटे आर स्क्वायर बनाएगा, और 50 डी ए मिलकर बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 4 पाई स्टेरिडी। तो इस तरीके से हम लोग समझ बैठे कि कोई भी स्फीयर, हाँ सर्कल में नहीं हो सकता ये बात, सर्कल का सरफेस थोड़े होता है, सर्कल एक लाइन क्लोज है, वो एक लाइन से बंद है, स्फीयर एक सतह से बंद है। इस सरफेस क्लोज है, सर्कल एक लाइन क्लोज है, स्फीयर सरफेस क्लोज है, सर्कल वृत्त एक लाइन क्लोज है, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर एक लाइन क्लोज है, क्यूब घन सरफेस क्लोज। तो इस सरफेस क्लोज के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर एंगल बनेगा 4 पाई रेडियन और सर्कल में बोलेंगे 2 पाई रेडियन। लेकिन फिर वही बात आपको याद होगा, हम बताए थे कि कोई भी सर्कल ही सिर्फ 2 पाई रेडियन नहीं बनाते, कोई भी लाइन क्लोज अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन ही बनाते हैं। इसका मतलब कोई भी सर्फेस क्लोज अपने सेंटर पर 4 पाई रेडियन बनाएंगे। एक क्यूब है तो भी एक सरफेस क्लोज हुआ, इसके अंदर कितना कोण बन रहा है, बोले 4 पाई स्टेरेडियन। कोई भी डिजाइन ले लीजिए, एक आर्बिट्री शेप का एक बैलून ले लीजिए, किसी भी शेप का एक बैलून, किसी भी शेप का एक बैलून ले लीजिए, मान लीजिए एक बैलून है किसी भी डिजाइनिंग का, अंदर में खाली बस पूरा सर बंद हो जाना चाहिए, सतह सतह बंद हो जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, बोले अंदर में कितना एंगल बनेंगे 4 पाई स्टेरेडियन। कोई भी सरफेस क्लोज अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन बनाते हैं, और कोई भी लाइन क्लोज अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाते हैं। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो इतना कुछ बताने के बाद हम एक बात आपके सामने रखे थे अभी, कि अगर आप चाहें तो उस इंक्लाइन वाला भी हम लोग करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने कमेंट में लिखिए, तो हम भी उसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। इंक्लाइन वाला अगर सरफेस प्लेन नहीं कटा हुआ, तिरछा कटा हुआ हो, इंक्लाइन कटा हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे सॉलिड एंगल। और अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जब उसका टॉपिक आएगा तो हम लोग बात करेंगे डिटेल्स। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो चला देखते हैं हम लोग। जहां कहीं दिक्कत हो आप कमेंट में थोड़ा सा तुरंत बताइएगा कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रिपीट कर लेंगे।
समझिएगा। हमें यही एंगल चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर का जो सरफेस है प्लेन नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर हम यहां से आर खींचे, यहां से तो नीचे वाला जो आपको दिया गया है प्लेन सरफेस, वास्तव में जो सरफेस कलर किया हुआ है उसका एरिया हमें पता है। लेकिन ये बात तो पता है कि फाई बराबर डीए बटा आर स्क्वायर तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो कलर किया हुआ एरिया है वो आर के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर उबला एरिया जो कलर नहीं किया हुआ, तो हमको उबला प्लेन का एरिया चाहिए जो कलर नहीं किया हुआ है। जो कलर किया हुआ है उसका एरिया तो पता है ये डीए, लेकिन वो फॉर्मूला में सेट नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूला कहता फाई बराबर डीए बटे आर स्क्वायर में डीए उस सरफेस का एरिया है जो परपेंडिकुलर टू आर है प्लेन। वैसा प्लेन जो आर के परपेंडिकुलर है, तो आर के परपेंडिकुलर जो मतलब कि पेंट नहीं किया हुआ है, जो साइडो भाग नहीं है वो वाला एरिया है, लेकिन जो साइडो है जो उसमें पेंट किया हुआ है वो तो एरिया इंक्लाइंड है, आर के परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो मेन मुद्दा है मेरा इसका एरिया निकालना। ई वाला एरिया निकाल लेंगे तब लिखेंगे कि फाई बराबर ई जो पार्ट है उसका एरिया अब बटी आर स्क्वायर तो सही होगा। अब जरा समझिए, ये सब आगे बहुत आगे ये बात काम आएगा, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि कोई भी सरफेस का अपना एक एरिया होगा। ये तो पक्का है कि कोई भी सरफेस हो तो उसका अपना एक एरिया होना है। सरफेस है तो एरिया होगा ही, सतह का ही तो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सरफेस बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस है तो एरिया है उसका। तो सरफेस का कोई एरिया का अपना एक वैल्यू होगा, हर एक सरफेस का अपना एक एरिया होता है, उसका कुछ तो मान आता होगा, इतना मीटर स्क्वायर उतना मीटर स्क्वायर जो भी कुछ आता होगा वो वैल्यू हो गया। लेकिन हर एक सरफेस का जो एरिया है उसका वैल्यू तो है, लेकिन उसका एक डायरेक्शन भी है। हर एक सरफेस का जो अपना एरिया है, जिस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी प्लेन के बारे में अगर आप बात कर रहे होंगे, तो उस हर एक प्लेन का अपना एक एरिया का वैल्यू है, उसका क्षेत्रफल का अपना एक मान है, लेकिन उसका अपना एक डायरेक्शन भी है। वो डायरेक्शन किधर है, बोलते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के लंबवत, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के लंबवत। कहने का मतलब इस सरफेस के बारे में बात किया जाए, अगर इस सरफेस के बारे में बात किया जाए तो इसका एरिया इधर है, हम जो भी एरो खींचे हैं आपको ये बात पता चल रहा होगा कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहां एंगल 90 डिग्री है, इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है वो, ये एरिया डीए, वो डीए उसका मैग्नीट्यूड है, बता रहा है कि उस सतह का मैग्नीट्यूड डीए है, डायरेक्शन उधर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो नीचे जो पार्ट शैडो नहीं है उसका डायरेक्शन किधर होगा, बोले परपेंडिकुलर टू प्लेन। और हमको वही वाला पार्ट का एरिया चाहिए, यही वाला पार्ट का एरिया चाहिए जो साइडो नहीं है, जो वो खाली खाली सा दिख रहा है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, बोलो उसका परपेंडिकुलर। हर एक सरफेस का एरिया का अपना एक डायरेक्शन होता है, और उसका डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इंक्लाइन वाला का इंक्लाइन वाला के परपेंडिकुलर, और जो खाली है पार्ट जो हॉरिजॉन्टल है उसके परपेंडिकुलर। अब आप समझिए, मान लीजिए कि इस प्लेन से ई वाला प्लेन थीटा एंगल पर है, इस प्लेन से ई वाला प्लेन थीटा एंगल पर है, इस प्लेन से ई वाला प्लेन कटिंग थीटा एंगल पर है। तो कहने का मतलब वो भी एंगल थीटा होगा, जब ई एंगल थीटा है तो भी एंगल थीटा होगा,
आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि दो लाइन है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो आप क्या कीजिए कि इसके परपेंडिकुलर की लाइन खींचिए, मतलब एंगल कितना भाग गया, ये लाइन भाग गया 90 डिग्री, ये लाइन भाग गया 90 डिग्री, आ इसको भी अपने जगह से भगा दीजिए 90 डिग्री, ये भाग गया अपना 90 डिग्री, ये भाग गया अपना 90 डिग्री। अब चूंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अब दोनों के दोनों 90 डिग्री टर्न कर गए, तो फिर अभी तो एंगल थीटा ही रहेगा। अभी दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, अब इस तरह से टर्न मारना शुरू करेगा ऐसे, तो दोनों अगर अपने जगह से 90 डिग्री घूमेंगे तो कौन थोड़े चेंज हो जाएगा, थीटा वही रहेगा थीटा। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर समझ में आया होगा कि अगर ये थीटा है तो भी कौन कितना होगा, थीटा होगा। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत होगा तो अपना कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी ए, अब आइए त्रिकोणमेट्री पर, थोड़ा सा त्रिकोणमेट्री सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें त्रिकोणमेट्री, जरा ध्यान सुनिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, और मान लीजिए कि वाला लंबाई दस और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला दस है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचाऊ बेस। तो हाइपोटेनस पता है आपको, बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन थीटा, बेस निकालने के लिए कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी बराबर एच साइन थीटा, cos theta इक्वल टू b by h, तो b इज इक्वल टू h cos theta, तो b इज इक्वल टू 10 cos theta और p इज इक्वल टू 10 sin theta। इसी तरीका से यहां समझिए आप कि ई जहां 10 लिखा हुआ है वहां इसका वैल्यू समझो कि डी ए है, और ई वाला एंगल थीटा है, तो ई हो गया बेस, उससे कोई मतलब ही नहीं परपेंडिकुलर से, यहां हमको तो बेस से मतलब है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर ई मान लिया जाए कि डी ए है, तो ई वाला जो होगा वो डी ए कॉस थीटा, अगर ई डी ए है, ई वाला एरिया अगर डी ए है और इसका डायरेक्शन इधर है, एरिया डी ए है इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका एरिया इधर है, इसका इसका एरिया का डायरेक्शन इधर है, तो ई अगर डी ए तो कितना होगा, ये डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा इसका है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो फाई बनेगा वो होगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और यूनिट तो आपको पता ही है, अस्टे रेडियन, यूनिट अपना होगा इसका अस्टे रेडियन। तो इस तरह से होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर मेन फॉर्मूला। और अगर ये प्लेन ऐसे नहीं होकर के ऐसे हो जाए तो थीटा का मान समझो जीरो हो गया। अगर ये प्लेन ऐसे नहीं होकर बोले कि ऐसे रहता तो बोलते कि तब क्या, तो थीटा का मान जीरो होता। अब थीटा का मान जीरो रखो यहां, कॉस जीरो वन, तो कहानी आ गया फाई बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर। अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसे नहीं होता, इंक्लाइन प्लेन ऐसे होता,
तो थीटा का मान जीरो इसका मतलब होता, और थीटा का मान जब यहाँ जीरो पुट करते तो कॉस जीरो का वैल्यू वन होता, तो बोलते कि फाइव बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, ये पहले पढ़ लेते डी ए बटा आर स्क्वायर एस्टे रेडियन। ठीक, टॉपिक था हमारा एस्टे रेडियन, तो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में अभी क्लियर किए रेडियन और एस्टे रेडियन, और अभी जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अब डायमेंशन, और डायमेंशन की मदद से अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। मेन हमारा मुद्दा समझना यूनिट को है, लेकिन अब हम यूनिट को डायरेक्ट नहीं समझ सकते, उसके लिए डायमेंशन का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्ट समझने वाला मात्र कितना था, सात, जिसका हम लोगों ने मतलब जिसको हम लोगों ने याद किया कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और दो इधर प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल एस्टे रेडियन। अब इन सब चीजों के मदद से हम लोग अब नए नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे और इन्हीं यूनिटों के मदद से और सारे यूनिट निकालने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे हम लोग डायमेंशन की मदद से। तो डायमेंशन हमारा एक हेल्पर होगा, चीजों को आसान बनाएगा, निकालने में मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डायमेंशन। यहां से बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू अगर 10 है, इसका वैल्यू अगर 10 है तो ई वाला वैल्यू निकालें कैसे, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो बेस के लिए कॉस थीटा, ये तो बस ऐसे करके दिखाए, इसका कोई काम नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बात नहीं हो रहा था, बेस निकालने के बाद इसे फिगर सेम टू सेम बनाए, जो यहाँ 10 काम कर रहा है वहाँ डी ए काम कर रहा है और थीटा वहाँ भी थीटा, बाकी बेस निकालना है मतलब वो लाइन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर चले हम लोग एच कॉस थीटा। अगर ऐसा कुछ समझने में दिक्कत हो तो ऐसे समझिए कि मान लिया जाए एक सरफेस है जो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है सरफेस, ऐसे रखा हुआ है कोई सरफेस, ऊपर से जब लाइट मारिएगा टॉर्च तो इसका जो छाया बनेगा, ऊपर से जब टॉर्च मारिएगा तो इसका जो छाया बनेगा ना नीचे, इस सामने से लेकर के इस सामने तक, जो कि साइज इसके एक्चुअल साइज से कम होगा, जब आप इस पर टॉर्च मारेगा इसे तिरछे रखिए इसको और ऊपर से टॉर्च मारिए, ऊपर से जब लाइट दीजिएगा तो इसका जो छाया बनेगा इस सामने और इस सामने, तो इतना साइज बनेगा, इसके नीचे और इसके नीचे बीच में बनेगा, तो क्या ये अगर एरिया उतना है तो उतना ही एरिया का छाया बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ऐसे रखेंगे तो और कम, ऐसे रखेंगे तो और कम, ऐसे रखेंगे तो एकदम कम, ही तो नहीं बनेगा छाया, ऐसे रखेंगे तो पूरा बनेगा। तो ये डी ए, अभी डी ए एरिया बन रहा होगा नीचे छाया, ठिट्टा एंगल ऐसे उठाएंगे यहां छाया का हो जाएगा एरिया डी ए कॉस ठिट्टा, और उठाएंगे ठिट्टा, अब और डी ए कॉस ठिट्टा, ठिट्टा का मान बढ़ रहा है, अब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान क्या होता है, घटता है, अब देख रहे हैं छाया का साइज घटते जाता होगा, और ये पूरा ऐसे होते होते तो बनेगा ही नहीं, अगर ये पूरा पतला सेट हो तो ये अगर लाइन को नीचे पतला मानो एकदम पतला लाइन तो कुछ छाया बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि डी ए कॉस 90 यहां से ऐसे उठ गया 90 डिग्री, अब यहां छाया बनेगा डी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो, वही बात हम समझा रहे थे कि ये एरिया अगर डी ए है इसका जो छाया बनेगा यहाँ नीचे वो डी ए कॉस थीटा बनेगा, थोड़ा आपको बेहतर समझ में आया होगा ये बात जो बात पूछना चाह रहे थे। शो करने का जहां तक बात है तो वास्तव में चूंकि सर्कुलर है तो सर्कुलर पार्टी शो किया हुआ है, हम चाहे तो जो भी मोबाइल के बारे में बताए रेक्टेंगुलर पार्ट आप शो कर सकते हैं, ढंग से कुछ होना चाहिए, जो प्लेट है ना
इसका एरिया डीए है, लेकिन ऊपर से जब लाइट आएगा ना तो उसका छाया कुछ ऐसा बनेगा, इसका जो छाया बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। नीचे का जो प्लेट है इसमें आपको तीन सतह दिख रहे होंगे, एक ऐसे सरफेस, एक नीचे और एक साइड से। तो अगर ये एरिया ऊपर वाला पार्ट अगर ये डीए है तो ये जो पार्ट है ये हॉरिजेंटल, ये होगा डीए कॉस थीटा, और ये जो पार्ट है ये होगा डीए साइन थीटा। तो ई डी ए पता है और इसका निकालें जिसका होगा डी ए कॉस थीटा, उसका ए तो एरिया का डायरेक्शन है लेकिन इसका एरिया का वैल्यू होगा डी ए कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। डायरेक्शन ले लेते हैं ना तो थोड़ा सा निकालने में आसानी होता है, ट्रायंगल की तरह दिखता है सब कुछ, इसे हम डायरेक्शन को कवर करते हैं। वास्तव में डी ए इस लाइन का नाम नहीं, डी ए इस सतह का ही एरिया है, इस सरफेस का ही एरिया है, दिखाने का तरीका है डायरेक्शन की इसका सरफेस के परपेंडिकुलर, तो चीजें समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसा आपको ये बात समझ में आया होगा, क्लास टाइमिंग सर ऐसे तो 4 से 5:30 था, आज थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फिर कल। अब है बात डायमेंशन का, समझे पहले डायमेंशन क्या चीज है। हम बता रहे हैं कि आपको कि डायमेंशन कुछ है नहीं, डायमेंशन एक समझिए कि मेरा सपोर्टर है जो यूनिट को समझने में मदद करेगा। जिससे हम बता रहे हैं आपको, हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिए, उसका यूनिट तो निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, वो तो याद किए कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, ऐसे करके याद किए। लेकिन और 2 सप्लीमेंट्री का भी, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का अस्टी रेडियन। लेकिन जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो इन चीजों से मिलकर बनेंगे, जैसे हम बात किए थे वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, एरिया बना था लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 लंबाई से, तो लंबाई ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार कि लंबाई, लेंथ, टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिक करेंट, जिसे 7 को जो फंडामेंटल है यही सब चीजों से ना आपस में मिलकर के नया क्वांटिटी बनाएंगे हम लोग। तो मान लिया जाए कि लेंथ, एम्पी, इलेक्ट्रिक करेंट और कुछ मान लिया जाए कि टेम्परेचर, इन सभी चीजों से मिलकर के कोई नया क्वांटिटी बना, तो बार बार कितना लिखेंगे लेंथ और इलेक्ट्रिक करेंट और टेम्परेचर। हमने इन चीजों को शॉर्ट में समझा कि लेंथ लिखने का बारी आएगा ना तो यह लिखना हम समझ लेंगे कि लेंथ के बारे में बात हो, जब कभी टेम्परेचर लिखने का बारी आएगा तो के लिख देना, हम समझ लेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर जरूर शामिल होगा। एम लिख देंगे, हम समझ लेंगे कि अच्छा जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें मास शामिल है। कहने का मतलब जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो है पूरा का पूरा नाम नहीं लिख करके उसको एक संकेत के रूप में लिखेंगे, इसी संकेत को बोला गया डायमेंशन। डायमेंशन एक सिंबल है, एक संकेत है किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। अगर जैसे कि एरिया बनता है ना लंबाई गुने चौड़ाई से, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ के बदले भी एल लिखो और ब्रेथ के बदले भी एल लिखो, अरे ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, तो एल इंटू एल लिख दो बार एल लिखो, सब समझ जाए कि 2 लंबाई मिलकर के एरिया बनता है। वॉल्यूम 3 लंबाई से मिलकर बनते हैं, आप कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे हम बताते हैं आपको किसी क्यूब का वॉल्यूम, किसी क्यूब का वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम, भुजा क्यूब, एक क्यूब, देखिए ए 3 बार आ रहा है कि नहीं, किसी
अस्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। देख लीजिए रेडियस 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हम ही कहते हैं कि वॉल्यूम 3 लंबाई से मिलकर बना हुआ। तीन लंबाई उसमें कौन कौन होगा हमें पता नहीं भैया। इसमें तीन लंबाई तीनों के तीनों रेडियस है। किसी क्यूबाइड का अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन है तो तीनों लंबाई। तो डायमेंशन ई नहीं कहता। इसे मान लिया जाए कि आप सिलेंडर का वॉल्यूम बोलिए, इसमें 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट मल्टीप्लाई है कि नहीं, लेकिन है तो 3 बार लंबाई ना। तो बस हम ई बताना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम में 3 बार लंबाई मल्टीप्लाई है। अब वो लंबाई रेडियस है, क्या वो लंबाई हाइट है, क्या वो लंबाई साइड है, ई नहीं क्लियर होता है। हम वॉल्यूम के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, ऐसे नहीं। सीधे वॉल्यूम, वॉल्यूम जाति का बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कोई वॉल्यूम हो उसमें 3 लंबाई जरूर मल्टीप्लाई होगा। कोई वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, देख लीजिए आप, 2 बार एगो एच, 3 बार आर। अगर किसी क्यूब के बारे में बात करें आप तो 1 क्यूब, 3 बार साइड। तो बस ये बता रहा है हमको कि वॉल्यूम 3 लंबाई से मिलकर बने हैं। तो 3 बार एल लिखेंगे हम। एल क्या है, सिंबल है लेंथ का। एल कहने से बस समझ में आता है कि लंबाई मेजर किया जा रहा है, रेडियस मेजर किया जा रहा है, कि हाइट मेजर किया जा रहा है, कि साइड मेजर किया जा रहा है, एक क्लियर नहीं होता। अगर कहीं हम एम लिख दिए, कैपिटल एम, तो समझा जाता है कि मास के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अभी मास क्या है हमें नहीं पता। किसी क्यूब का मास निकाला जा रहा है कि किसी आदमी का मास से मतलब है कि पृथ्वी का मास के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इसका मतलब नहीं है। बस मास जाति का बात किया जा रहा है, किसी का मास हो सकता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, हमने उनके लिए एक सिंबल बनाया। उन्हीं सिंबल को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कुछ और नहीं, बस एक सिंबॉल है। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, समझे कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, ये सब क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी है। अभी ज्यादा हम लोग सुन रहे हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में चुनाव चल रहा है तो अभी। तो जो भी अभी पार्टी भी चर्चा में है उसके बारे में आप बात करना चाहें। हम इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि आपको इधर का ज्यादा पता होगा। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, जो भी तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको समझे फिजिकल क्वांटिटी है सब। तो क्या हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल है कि नहीं? जैसे कि मान लिया जेडीयू, उसका अपना एक एरो तीर छाप। बीजेपी बोले कमल छाप, कांग्रेस बोले पंजा छाप, आरजेडी लालटेन छाप, लोजपा, अब लोजपा का तो नाम तो खत्म हो गया समझो, मकान छाप। तो जो छाप है इसको समझो कि डायमेंशन है, और पार्टी का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे समझिए कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, बहुत से आदमी थे जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे। तो जो जो आदमी बीजेपी का सपोर्टर है, हर एक का सिंबल क्या है, बोले कमल छाप। कमल छाप कहने से क्या बोध होता है, बीजेपी का, न कि किसी पार्टिकुलर आदमी का। कमल छाप कहने से पूरे बीजेपी पार्टी का बोध होता है, न कि किसी खास आदमी का। बीजेपी कमल छाप कहने से नरेंद्र मोदी का बोध तो नहीं होता होगा,
कमल छाप कहने का मतलब राजनाथ सिंह तो नहीं, कमल छाप कहने का मतलब बीजेपी। उसी तरीका से अगर हम एल लिखें तो एल कहने का मतलब लेंथ, समझो लेंथ एक पार्टी है और एल उसका झंडा है। अभी झंडा जो उठा लिया सब लेंथ का है। बात समझने का मतलब यह है कि आप किसी वृत्त की त्रिज्या माप रहे हैं तो नाप तो रहे हैं त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई में आपका मापन हो रहा है त्रिज्या का। लेकिन यहां पर हम त्रिज्या माप रहे हैं कि किसी मतलब रेडियस माप रहे हैं कि किसी का साइड माप रहे हैं कि किसी का हाइट माप रहे हैं, उसे मतलब नहीं है। जैसे कि समझ रहे पहले, एक हुआ कमल छाप, कमल छाप समझ यही है, यह हुआ बीजेपी। और बहुत सारे जाति के लोग हैं, अब कमल छाप है तो किसी पर मतलब किसी पार्टिकुलर जाति का बबौती तो नहीं है, उसमें कुछ अलग कास्ट के होंगे, कुछ अलग धर्म के लोग होंगे, तो कमल छाप कहने से किसी पार्टिकुलर जाति का, किसी पार्टिकुलर धर्म का बोध नहीं हो रहा। जो भी आदमी कमल छाप का झंडा उठा लिया, हम समझें कि बीजेपी का है, उसकी जाति का है, लंगड़ा है, फिजिकली है, बहरा है, गूंगा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस कमल छाप पकड़ लिया है, इससे मतलब बीजेपी का है। मतलब ये आप लिखे तो आप समझें कि लंबाई को आप मेजर कर रहे हैं, आप किसी सर्किल का रेडियस माप रहे हैं कि किसी सिलेंडर का हाइट माप रहे हैं कि किसी वर्ग का साइड, किसी स्क्वायर का साइड माप रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं हमको। बस हम इतना जानते हैं लिखने का मतलब कि आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। किस चीज का लेंथ मेजर कर रहे हैं हमें उसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये डायमेंशन हमने लेंथ के लिए सिंबल बना लिया एल। मास के लिए सिंबल बना लिया कैपिटल एम। टाइम के लिए सिंबल बना लिया टी। हर एक पार्टी का झंडा खड़ा कर दिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी और ये इसका डाइमेंशन। अब आगे देखिए टेम्परेचर। अब झमेला खड़ा हो गया, चला टाइम के भी झंडा टी और टेम्परेचर झंडा टी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि ममता बनर्जी वाला पार्टी कांग्रेस से अलग होके बना, नाम रख लिया तृणमूल कांग्रेस, हल्का सौरा में डिफरेंस कर दिया, कांग्रेस से अलग हुआ और तृणमूल कांग्रेस, लेकिन उसमें झलक दिख रहा है किसी का। तो बात समझिए यहां पर, तो टेम्परेचर का आप तो टी लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा भाई, थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, ये तो लोग ऐसे समझेंगे कि कौन पार्टी के वोट दे रहे हैं हम। झंडा तो अलग करना पड़ेगा टेम्परेचर का, अब टाइम अपना झंडा बना चुका है टी, तो टेम्परेचर का झंडा तो टी नहीं लगा सकते हम लोग। और एक बात और समझिएगा, ये जो झंडा कितना काम का है, सिंबल बहुत भयानक चीज होता है। सिंबल किसी चीज को एकदम तुरंत कवर करके रख देगा। बहुत सारी चीज को आप बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते होंगे, उसके बदले में आप की कोई साइन दे देते हैं और सब समझ जाता है। जैसे आप लिखते हैं, मान लिया जाए कि कोई संख्या लिख दो बड़ा सा, फिर कोई संख्या लिखो बड़ा सा, किसी संख्या इतना में संख्या इतना को जोड़िए। अब जोड़िए तोड़िए कुछ नहीं, सीधे ऐसे प्लस का चिन्ह मारो, सब बच्चा समझ गया कि जोड़ना है। सिंबल का कितना भयानक असर है। उसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल सुनाते हैं, जैसे कि मान लिया गाँव घर में बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग लेडीज लोग रहते हैं, और जो प्रत्याशी लोग होता है चुनाव वाला जाके समझाया, अब जाकर समझाएगा कि मामा आरजेडी के वोट देवो, मामा समझ भी नहीं करें कि आरजेडी केरा कर ले, मामा के समझा देगा कि ललटेन के वोट देवो, मामा तुरंत समझ जाए कि हाँ केरा वोट देना है। शिमूल का एक अलग असर होता है। आप उसको लाख समझाते रहे, प्रत्याशी का नाम समझाते रहिए, उसका और कुछ पार्टी का नाम बताते रहिए, कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक सिंबल एक ऐसा चीज है, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को बात समझा दीजिए, जाके समझ ले कि इस पर वोट देना। सिंबल का एक अलग असर, बहुत चीजों को शॉर्ट कर दिया जा, कुछ नहीं समझाइए, खाली सिंबल समझाइए, सब समझ गया वो, आपका काम बन गया। एक डायमेंशन हमें उसी तरह से काम करेंगे। इसके पीछे क्या है नहीं कोई मतलब नहीं, सिंबल रहेगा हम लोग समझ लें कि इसके बारे में बात हो रहा है, क्या नपा रहा है, क्या जा रहा है, उससे मतलब नहीं होगा। बस सिंबल पकड़ के रखेंगे हम लोग, पता चल जाएगा किसी किसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। तो टाइम का टी और टेम्परेचर का टी तो दे नहीं सकते, तो ये तीनों का जो सिंबल दिया इधर से दिया, लेंथ मास टाइम, लेंथ से एल उठा लिए, मास से एम, टाइम से टी। अब टेम्परेचर से टी उठाना संभव है नहीं, तो टेम्परेचर के उस तरफ से चलिए, टेम्परेचर का मात्रा केल्विन, उधर से उठा लो के, ऐसे होगी। मान लिया जाए कोई सर है अभिषेक कुमार,
अब अभिषेक कुमार सारे ऑप्टिशन खोल दिए कि अभिषेक टीचिंग सेंटर, फिर मान लिया जाए कि एक साल के बाद एक नया टीचर जन्म लिया अभिषेक कुमार, फिर वह चाहते हैं कि हमारे नाम पर ट्यूशन रहता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उनको पहले से रख ले अब अभिषेक टीचिंग सेंटर, तो भरसक प्रयास सही करेंगे वो कुमार टीचिंग सेंटर रखें पिछले वाले पार्ट्स। तो टाइम का हम लोग टी यूज कर